दोस्तों नमस्कार। ज़्यादातर लोगों को शिकायत रहती है और मुझे भी बहुत कमेंट करके बताते हैं कि हमारी गैस बहुत बनती है। गैस का कोई इलाज बताइए, गैस बहुत ज़्यादा बनती है। अब गैस क्यों बनती है? सबसे पहले तो हमें वो कारण खोजना होगा कि गैस क्यों बनती है। हम फ्रिज का बहुत चिल्ड पानी पीते हैं, फ्रिज में रखे हुए आइटम ठंडे ठंडे खाते हैं, वो खाते ही थोड़ी देर बाद में गैस बन जाएगी। हम जो बाजार से डिब्बा बंद भोजन मंगवाते हैं, आजकल ये क्रेज हो गया है डिब्बा बंद भोजन बाजार से मंगवाने का, वो मंगवाते हैं और खाते हैं, वो कई दिनों का बना होता है, फ्रिज में रखा होता है और वैसा का वैसा आप में आपको लाके दे दिया जाता है। दूसरी बात के उसके अंदर चटपटे मसाले बहुत ज़्यादा डाले होते हैं, उसको खाने से भी पेट में थोड़ी देर बाद में गैस बन जाती है। अब आप देखिए कि हम घर में बनाते हैं तो कई बार बहुत स्पाइसी बना लेते हैं, उसको गरम मसाला इतना ज़्यादा डाल देते हैं कि चटकारे लेके खाएंगे, उससे भी आपके पेट में गैस बनती है। थोड़ी देर बाद में आप गैस से पीड़ित हो जाओगे, आप कहोगे जी गैस बन गई है। तो ये जो नुस्खे हैं, आप बाजार जाते हैं, कचौरी खा ली, चाट खा लिया, दही बड़ा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, भेलपूरी खा लिया, तो इनमें ये लोग जो होते हैं ठेले वाले, ये बहुत ज़्यादा चटपटे मसाले डालते हैं, वो भी हम खाते हैं, आधा कच्चा होता है आधा पक्का होता है, थोड़ी देर बाद में हमारे पेट में गैस बन जाती है। ये गैस ही हमारे पेट को खराब करती है। गैस बनेगी उसके कब्ज भी बनेगी, कैसे तो परेशान रहेंगे रहेंगे, दूसरे दिन कब्ज से भी परेशान हो जाएंगे, फिर अगर और वो थोड़ा सा बासी भोजन है, बासी भोजन होगा तो हमारा पेट भी दर्द करेगा, तो हमारे पैसे देकर हमें रोग खरीदना होता है, हमें पैसे देके रोग नहीं खरीदना है। इसके लिए अगर आपसे ये चीज़ें नहीं छूटती है तो आपको क्या करना है कि अजवाइन ले लेना है, अजवाइन और मेथी, इन दोनों का आप पाउडर बना के और मिक्स करके रख लो। जैसे ही आपके गैस बनती है, एक चम्मच की एक फक्की मार के पानी पी लो, थोड़ी देर बाद में आपकी गैस ठीक हो जाएगी। दूसरा आपको क्या करना है कि पेट की गर्म पानी की और ठंडे पानी की आपको सेंक करनी है। तो गर्म पानी के लिए एक प्लास्टिक का ये रबड़ का बोतल आता है, हॉट वाटर बोतल बोलते हैं, आप बाजार से ले आइए, उसमें खूब गर्म कर लो पानी को, खूब गर्म करके उस बोतल में डाल लो, थोड़ा कम डालो और हवा भी उसकी निकाल दो ताकि वो गोल ना रहे, चपटी बन जाए। तो उसको आप पेट के ऊपर रखो, अगर ज़्यादा गर्म लगती है तो तौलिया रख सकते हैं उसके ऊपर, उसको रखो। उसके बाद में आपको ठंडे पानी का तौलिया पेट पर रख लेना है। तो वो कैसे करनी है, आपको गर्म सेक करनी है, 3 मिनट तक पेट के ऊपर गर्म बोतल पड़ी रहे, उससे आंतों में गर्मी पहुँचेगी, फिर वो बोतल को उठा दीजिए और ठंडे पानी में तौलिया भिगो के पेट के ऊपर रख लीजिए। आधा मिनट होगा कि तौलिए को पलट के रख दीजिए, क्योंकि नीचे की साइड गर्म हो जाएगी, इसलिए तौलिए को पलट के आधा मिनट के लिए रख लीजिए। 1 मिनट के लिए ठंडे पानी की सेंक करिए और 3 मिनट के लिए आपको गर्म पानी की सेंक। इस प्रकार आप 15 मिनट 16 मिनट करेंगे तो आपकी गैस खत्म हो जाएगी। आपकी गैस खत्म करने का बहुत अच्छा नुस्खा है, इससे पेट की आंतों में भी बहुत फर्क पड़ेगा, पेट की आंतें नरम, जो एकदम सख्त है वो नरम हो जाएगी और मजबूत भी बन जाएगी, तो पेट की आंतों के लिए भी बहुत अच्छा है और गैस जो बनती है गैस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये दो नुस्खे आपको बताए हैं, इन दो नुस्खों में से आप जो अच्छा लगे वो नुस्खा कर लेना, आपके बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों देखते हैं कितने लोग करते हैं और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, नमस्कार।